नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां रायपुर के भाटा गांव में जिलेट बार में चोरी हुई। मोबाइल और कैश लेकर बदमाश भाग गए। आरोपी का नाम जरहा। चौथी बार आरोपी ने बार में चोरी की है। लॉकडाउन में भी इसने चोरी की थी। 14 दिनों तक बार में ही पीता रहा था शराब। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से बड़ी खबर, जहां भाटा गांव में जिलेट बार में चोरी हुई है। मोबाइल और कैश लेकर भागे हैं बदमाश। आरोपी के नाम है जरहा। चौथी बार आरोपी ने बार में चोरी की और जानकारी यह भी है कि लॉकडाउन में इसने 14 दिनों तक बार में ही इसने शराब पी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं बिलासपुर में जानलेवा हमला हुआ है। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पर मैग्नेटो मॉल के पास युवा कांग्रेस के दो गुट भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। मस्तूरी युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाद में एक गुट ने सिविल लाइन थाने में हंगामा कर दिया। आरोपियों पर धारा 307 लगाने की मांग की। रोल सोल में बैठे हुए थे, मुजस्सर नजर जी आए हुए थे। आज कुछ मीटिंग था कांग्रेस भवन में, उन्होंने फोन किया तो मैं भी आया हुआ था। हम लोग रोल सोल से चाय पिला के उनको विदा किए, वहाँ से आ रहे थे मैग्नेटो मॉल के पास। मैं था, जिला अध्यक्ष जी थे और विश्वजीत था, पीछे में बैठे हुए थे। आया, दरवाजा ठोका, नितेश सिंह ठाकुर तोड़ने का कोशिश किया, फिर उसको उतारे, फिर राड और बेसबॉल स्टिक से मारना चालू। और उसके अन्य साथी ने घेर के इतना मारा है, शेर में मार, जान से मार दो उसको, मार डालो करके इतना मारे हैं उसको। अब अपोलो में भर्ती एकदम सीरिया था, वो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा, बेहोश हालत में है वो। अब थाना आए हम लोग, थाना में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हम लोग को। बोल रहे हैं मुचलका लगाएंगे, उतना बड़ा धारा नहीं लगा सकते, ये वो बोल रहे हैं। अब उनको छोड़ दिए थी, पुरानी रंजिश थी क्या? अब उनकी जो भी थी उनकी हमको मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ रोक के मारे हैं, ऑटो मॉल सामने, हमारे सामने मारे हैं। वहीं रायपुर में अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सुंदर नगर अपहरण कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। किडनैपर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चार युवकों ने दुकान से किडनैप किया था। पुलिस की दबिश से घबराए बदमाशों ने युवक को छोड़ दिया। अपहरणकर्ताओं ने युवक को कवर्धा में छोड़ा। पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हुई है। दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड और यूपी के लिए टीम रवाना हुई। किडनैपर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकान में ही किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। सुंदर नगर अपहरण कांड में बड़ा खुलासा। चार युवकों ने दुकान से किडनैप किया था। पुलिस की दबिश से बदमाश घबरा गए और युवक को छोड़ दिया। वही जांजगीर चांपा में थाने का घेराव किया है बीजेपी महिला मोर्चा ने। बीजेपी महिला मोर्चा ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। महिला मोर्चा और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। महिला मोर्चा के 6 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज का विरोध यहां पर किया जा रहा है। 40 अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध हो रहा है। 25 मई को शराबबंदी को लेकर चक्का जाम किया था। बिना अनुमति नेशनल हाईवे को जाम किया था। नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम किया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जी, 25 तारीख को जो चक्का जाम हुआ था उसके विरुद्ध जो महिला पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुआ है उसे वापस लेने के संबंध में आज एक ज्ञापन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लगातार शराबबंदी कांग्रेस सरकार ने कहा था और उन्होंने पूर्ण शराबबंदी आज तक नहीं की है। उसके लिए छत्तीसगढ़ में 15 दिन से लगातार जिला और मंडल स्तर पर हम चक्का जाम कर रहे हैं, जन जागरण के लिए चक्का जाम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये कहा था और महिलाओं को ठगा है, तो महिलाओं के लिए आवाज़ महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हमने झूठा जो एफआईआर दर्ज किया गया है हमारे महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको वापस लिए जाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है। लेकिन आज आप देख रहे हो टीन का दीवार बना दिया गया, हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अनेक लोगों को आंशिक चोट भी आई है। ये प्रजातंत्र में उचित नहीं है। वहीं कोंडागांव में 18 साल पहले बना स्टॉप डैम रेत माफिया की भेंट चढ़ गया है। हालात ये हैं कि जो स्टॉप डैम बारिश में पानी से लबालब भरा रहता था वो अब सूख गया है। मामले पर अधिवक्ता दीपक ठाकुर ने कहा कि बदहाल होते स्टॉप डैम को लेकर
रेत माफियाओं को फायदा पहुंचाने और विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्टॉप डैम का हाल बेहाल है। रेत माफिया की भेंट ये स्टॉप डैम चढ़ गया है। ये पहले पानी से लबालब हुआ करता था, पानी इसमें भरा रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी आपको कम ही नजर आएगा, रेत ही रेत आपको वहां पर नजर आएगी। जोंगरापदर इंटीग्रेट जो बनाना स्टॉप डैम वो सन 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा शुरुआत की गई थी, वो अभी बहुत बुरी हालत में है, एक बूंद पानी नहीं है। ये पूरी पूरी है जल संसाधन विभाग की लापरवाही। देखने में यही आ रहा है कि केवल जोंद्रापदर रोड में नहीं बल्कि आप जिले में सभी जगह देख लेंगे, जब तक मूल लागत करोड़ों की जो लागत है स्ट्रक्चर बनाना, वहीं तक ये लोग अधिकारी इंटरेस्ट लेते हैं। रेत निकालने वाले के द्वारा मतलब चेक डैम को रातों रात खोला जाता है और वहां से रेती निकाला जाता है, ये भी एक कारण बहुत है। जोंद्रापदर का ये चेक डैम जो पूरे शहर की प्यास बुझाता है, इस समय खुद वो प्यासा है। बारिश के दिनों में ये चेक डैम पूरा पानी से लबालब भर रहता है, पर अधिकारियों की लापरवाही कहें या लोगों ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि रेत माफियाओं के लिए यहाँ पर चेक डैम की गेट खोल दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी नदी पूरी सूखी पड़ी है और सामने में नगर पालिका का पानी टंकी है, जहाँ पर यहाँ नदी सूखी नदी से पानी स्टोर करके पूरा शहर के 14 वार्डों में सप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आम जनता जिस तरीके से आरोप लगाती है कि रेत माफियाओं के चक्कर में अधिकारी चेक डैम का गेट बंद करना भूल जाते हैं और जिसके कारण बारिश के बाद नदी सूख जाती है, ऐसी हालात में लोगों की प्यास कैसे बुझेगी जब भीषण गर्मी पड़ रही हो और नदी का गला सूखा हो। बहरहाल देखना होगा कि कब संबंधित विभाग और खनिज विभाग इस नदी पर नजर रखते हैं, जहां पर अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जा सके और जिस उद्देश्य से इस चेक डैम का निर्माण किया गया है वहां पर पानी भरा रहे और लोगों को फायदा मिले। न्यूज 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। वहीं कोरबा में चोर गिरोह लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। इसी कड़ी में बुधवारी बाजार स्थित गजानंद साईं मंदिर को निशाना बनाया। चोर पूजा करने के बहाने मंदिर में घुसे और तांबे की प्लेट पार कर दी। चोर की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर प्रबंधन ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। मंदिर की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको ले चलते हैं सरगुजा के रामगढ़ पर्वत पर, जहां मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला अषाढ़ मास के पहले ही दिन लगाया जाता है और इसके इस खास दिन पर आयोजन के पीछे है एक खास धार्मिक मान्यता। आइए चलते हैं इस मेले में और जानते हैं इसकी खासियत को। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा संभाग मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर उदयपुर विकासखंड मुख्यालय के पास है ये पर्वत। वैसे तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थान हैं, लेकिन इनमें से रामगढ़ पर्वत का अलग ही महत्व है, क्योंकि रामायण काल में भी इस पर्वत का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान राम रामगढ़ पर्वत पर अपनी सेना संगाए थे। इसके साथ ही श्री राम ने भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ यहाँ की गुफाओं में निवास किया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना इसी रामगढ़ पहाड़ी से की थी। उन्होंने आषाढ़ माह के पहले दिन मेघदूतम को लिखना शुरू किया, लिहाजा इसके बाद से ही यहाँ आषाढ़ मास के पहले दिन रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाना शुरू हुआ।
हर साल ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने और उसके संवर्धन के लिए यहाँ रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। रामगढ़ का दो प्रकार से महत्व है। एक तो पौराणिक महत्व है कि रामचंद्र जी वन गमन के समय आए और इसी रास्ते से गुजरते हुए काफ़ी दिन तक यहाँ रहे, यहाँ तक कि उनका एक स्थायी निवास जैसे ही हो गया था रामगढ़, सीता बेंगरा, हथफोड़। कालिदास यहीं पे निर्वासन के जीवन जी रहे थे तो मेघदूत उन्होंने सुतुनिका, एक प्रेम प्रसंग है यक्ष और सुतुनिका का, उसके आधार पर उन्होंने एक आषाढ़ के पहले दिन जब बादल घूमड़ घूमड़ करके बनने लगे तो रामगढ़ की पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि आधा ऊपर तो खुला रहता था और नीचे झांकी तो बादल से पूरा ढक जाता था, पृथ्वी दिखता नहीं था। तो वहां पर बैठ कर के उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। यहां आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम ददर्श। यह वह रामगढ़ पर्वत है जहाँ पर महाकवि कालिदास आए, उन्होंने यहाँ से मेघदूत लिखा। यह शरभंग ऋषि का आश्रम रहा है। भगवान राम जब दंडकारण्य में आए तो यहाँ रहे। यह स्थान पवित्र है, पावन है, भगवान राम के चरण चिन्ह अंकित हैं। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और यहाँ के लोगों का संबंध श्री राम के साथ भांचा यानी भांजे का है, क्योंकि माता कौशल्या का मायका चंदखुरी रहा है और इसी चंदखुरी में माँ कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राम वन पथ गमन मार्गों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। यही वजह है कि रामगढ़ पहाड़ को करोड़ों रुपए लगाकर प्रदेश सरकार विकसित कर रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहाड़ी पर बने राम मंदिर में पहुंचने में पहले काफी वक्त लगा करता था, लेकिन रास्ता अब अच्छा बन चुका है। हाँ, कालिदास जो मैंने आज के दिन से शुरुआत लिखे रही दूध रचना, तो वही दिन से मैंने आषाढ़ कर यहाँ मनौती होता है रामगढ़ मेला। बहुत दूर दूर से वाला कह नहीं सका है भाई। लेकिन चारों खूर से आते हैं। अब कोला कहाँ ला बता सका। पहला आषाढ़ दिन मैंने पहला आषाढ़ के हिसाब से जब रामगढ़ महोत्सव मनाते हैं ताकि यहाँ भगवान राम वनवास के समय यहाँ आके कुछ दिन यहाँ वनवास काटिन हैं, तो करो जैसे यहाँ वही उत्सव मनाते हैं। आओ महाकवि कालिदास जी यहाँ आईन तो उस समय वही मेघदूत की रचना करीन, तो वो कर चलते यहाँ वही उकरो संबंध जुड़ गई, तो वही से यहाँ महोत्सव चलत थे। वर्षों से रामगढ़ को राम के प्रतीक स्थल के रूप में विश्व पटल पर शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार और राम वन गमन पथ के उन्हीं मार्गों को आस्था के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाया गया है और यहां जमकर काम किया जा रहा है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज 18, सरगुजा। आगे बढ़ते हैं, कोंडागांव से बड़ी खबर है जहां नारंगी नदी में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन चल रहा है। रविवार के दिन छुट्टी पर अधिकारी रेत माफिया ने उठाया छुट्टी का फायदा। अधिकारियों की छुट्टी का फायदा रेत माफियाओं ने उठा लिया। चौंधरा पदर स्टॉप डैम में अवैध खनन जारी है। शहर के पास है चौंधरा पदर स्टॉप डैम। सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं रेत माफिया। स्टॉप डैम का हाल क्या कर रखा है ये देख सकते हैं आप। पहले लबालब पानी यहां पर हुआ करता था, लेकिन अब आपको पानी नजर नहीं आएगा, वहां पर चलते हुए ट्रैक्टर नजर आएंगे जो रेत ढोकर ले जाते हैं। सरकार को चूना लगा रहे हैं रेत माफिया, सरकार की नाक के नीचे से। नारंगी नदी में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन जारी। तस्वीरें आपको यही बता रही हैं। कहा जाता है पहले यह डैम पानी से लबालब हुआ करता था, लेकिन अब पानी की जगह
ट्रैक्टर नजर आते हैं जो कि रेत ढो रहे हैं। रेत माफिया हैं वो करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। विवेक, सरकार को लाखों का चूना लग रहा है सरकार की नाक के नीचे। शनिवार और रविवार दो दिन छुट्टी पड़ी और अधिकारी छुट्टी का मजा ले रहे हैं, तो वहीं पे रेत माफिया जो आसपास की नदियां जो अभी जो हम तस्वीर में दिखा रहे हैं जिंद्रा पदार, ये शहर से लगा हुआ है। यहाँ पे धड़ल्ले से दिन के 11-12 बजे भी वहाँ पे रेत अवैध खनन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार जो रॉयल्टी मिलती है उसका उसमें तो चूना लग ही रहा है, वही अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि जिसको भी कोई शिकायत होती है तो खनिज विभाग के अधिकारी का है कि यह ट्रैक्टर पकड़ के अपनी वाहवाही करते हैं कि हमने अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, पर ये नजारा जो है ये करे दिन दहाड़े दिख रहा है और लोग लगातार 10-12-15 ट्रैक्टर वहाँ पर लगातार रखे हुए और धड़ल्ले से खुदाई कर रहे हैं, पर वहाँ पर ना तो निगम पालिका का कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ मौजूद है, ना ही खनिज विभाग के कोई अधिकारी मौजूद है। तो इस तरीके से ये अवैध उत्खनन लगाते हुए सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और अवैध काम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल विवेक, रेत माफिया तो सक्रिय हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही इसमें नजर आती है। जी हाँ, जिस तरीके से स्टाप डैम जो है 18 साल पहले जिस तरीके से स्टाप डैम आसपास के क्षेत्र के लोगों को पानी देने के लिए बनाया गया है ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, और इसी स्टाप डैम से नगर पालिका पूरे शहर के कम 14 वार्डों पे पानी सप्लाई करती है और कुछ वार्डों पे वहाँ पर बोर किया हुआ, पर यह है कि नदी पूरी सूखी हुई है और पानी की सप्लाई कैसे हो ये गर्मी में सवाल है। दूसरा ये है कि स्टाप डैम जब बारिश में लबालब भरता है तो उस समय फाटक जो रहता है स्टाप डैम का उसको लगाना पड़ता है, पर अधिकारी उस पर नजरअंदाज किए रहते हैं जिससे पूरा जो पानी है वो बह जाता है और बहने के बाद नदी आखिरी में 4 महीने के बाद में सूख जाती है, जिसका फायदा रेत माफियाओं को होता है क्योंकि यदि पानी रहेगा तो ट्रैक्टर खनन नहीं हो पाएगा। और तस्वीर में सीधे सीधे दिख रहा है कि नदी के अंदर में लोग ट्रैक्टर उतार कर वहां से रेत खनन कर रहे, तो जल संसाधन विभाग भी इसको पूरी तरीके से जिम्मेदार है लापरवाही बरतने में, और लोग इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टाफ डैम बना था किसानों को पानी मिलेगा या जनता को पानी मिलेगी, वो पानी नहीं मिल पा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि रेत माफियाओं से साझदार करके सिंचाई विभाग के अधिकारी जो है इरीगेशन विभाग के। ठीक 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 है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करें। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा से बच्चा चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। 22 दिन के बच्चे को एक महिला चुरा कर दे गई। महिला की खुद की कोई संतान नहीं थी जिस वजह से वो दूसरे का बच्चा चोरी करके ले आई। पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है महिला को, बच्चे को भी सकुशल माता पिता के हवाले कर दिया। महिला की कोई संतान नहीं थी, बच्चे की चाहत थी, तो महिला ने बच्चा चोरी कर लिया। बताया कि 3 साल से इसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण इसने इसे अपहरण की योजना बनाई थी। मामले में मधुबाई को गिरफ्तार किया गया है। आइए अब एक नजर 6 सेकंड में खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दुर्ग का दौरा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आम सभा का आयोजन, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने दी जानकारी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी को बताया कालनेमी, कहा बीजेपी हिटलर की औलाद, संसद में कांग्रेस के सांसदों को बोलने नहीं दे रहे। आरंग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का बयान, अब गुजरात नहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की देश में हो रही चर्चा, दो दो राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल से जीती कांग्रेस। अंबिकापुर में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का शुभारंभ, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। आषाढ़ मास के पहले दिन मनाया जाता है रामगढ़ महोत्सव। कोरबा पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा।
जगदलपुर में श्रमिक कल्याण मंडल ने किया श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में शामिल आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले, कांग्रेस सरकार श्रमिकों के लिए लाई 28 योजनाएं। मुगिली में पद्मश्री फूलबासन दीदी महिलाओं को कर रही जागरूक, मोर बाजार सदस्यता अभियान में जोड़ रही महिलाओं को। मानस मंच में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के तहत हो रहा कार्यक्रम। कोरबा में जल संकट को लेकर 12 घंटे चला चक्का जाम, जल संकट के स्थायी समाधान के आश्वासन पर आंदोलन हुआ समाप्त। पुरैना बाकी बस्ती बड़वाडोड़ा में पेयजल संकट। कवर्धा में बच्चा चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार, 22 दिन के बच्चे की हुई थी चोरी, पुलिस ने सकुशल बच्चे को माता पिता को सौंपा, खुद का बच्चा नहीं होने से महिला ने की थी चोरी। रायगढ़ में ग्रामीण बैंक में चोरी के मामले में नाबालिग गिरफ्तार, अलमारी खोल लिया लेकिन लॉकर खोलने में हुआ था असफल, रुपये की चोरी में असफल होने पर चुरा लिया था सीसीटीवी डीवीआर। पूर्व में भीषण गर्मी के बीच प्यास से तड़प रहे बाज का किया गया रेस्क्यू, एक शख्स ने बाज को पिलाया पानी, सूचना पर वाइल्ड लाइन ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। मुंगेली जिले में मौसम में आया बदलाव, कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई जगहों पर ओले भीग रहे, तेज गर्मी और उमस से मिली राहत। जशपुर में बदला मौसम का मिजाज, बगीचा विकास खंड के कलिया गांव में झमाझम बारिश के बीच गिरे ओले, बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को मिली राहत, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। रायपुर में भाटा गांव के जिलेट बार में चोरी, मोबाइल और कैश लेकर भागे बदमाश, चौथी बार आरोपी ने बार में चोरी की, घटना का सीसीटीवी आया सामने। टॉप नक्सली लीडर सुदर्शन की हार्ट अटैक से मौत, सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो का था सदस्य, ताड़मेटला हमले में था शामिल, हमले में 76 जवान हुए थे शहीद, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था सुदर्शन। सुकमा में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, और सांगल पहाड़ी पर मिला हथियारों का जखीरा, बंदूक कारतूस सहित डेटोनेटर भी बरामद। रायपुर अपहरण कांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 4 बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस के दबाव में कवर्धा युवक को छोड़ बदमाश हुए थे फरार। जशपुर के कुनगुरी में तेज रफ्तार ने कईयों को कुचला, 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर, नाराज लोगों ने किया कुजारा में प्रदर्शन और जाम। बलरामपुर के जंगल में लगी आग से बड़ा नुकसान, बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग में कई कीमती पेड़ हुए स्वाहा। रायपुर के आरंग में राजीव भवन का सीएम ने किया लोकार्पण, रायपुर के राजीव भवन की तर्ज पर हुआ है निर्माण, 2023 के विधानसभा चुनाव में यहीं से दिग्गज बनाएंगे जीत। आज कोरबा दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एसएससीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, समन्वय समिति और मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में शामिल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।